दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ये एमसील की, ये बहुत ही हटके एक प्रोडक्ट मैं लेके आया हूँ। और ये आज के समय में बारिश का इतना सीज़न चल रहा है, बहुत ज़्यादा लीकेज है, तो इसको मैं बता रहा हूँ कि कैसे इसे यूज़ करेंगे, क्या है ये बेसिकली और ये कैसे काम करने वाला है। देखिए, आप देख सकते हैं कि ये 100 ग्राम का पैक है, 30 रुपये इसकी कीमत है और ये रिसेंट पैकिंग है, मतलब ये बारिश में ही बनाया गया है क्योंकि बारिश में इसके यूजेस बहुत बढ़ जाते हैं। जो भी आपके घर में लीकेज हो रहा है या कहीं पर छोटा मोटा लीकेज है या कहीं पाइप लीक कर रही है या कहीं ड्रेनेज में कुछ लीकेज है, तो हाँ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है इस बॉक्स के अंदर आपको एक ये ब्लैक कलर का मिल जाएगा जो हार्डनर है, और दूसरा जो ग्रीन कलर का रहता है जिसको मैं अभी आपके सामने खोल रहा हूँ, ये है इसका रेजिन बेस। हार्डनर क्या करता है, इस पूरे चीज़ को जल्दी सुखा देता है और एकदम कड़क कर देता है ताकि लीकेज एक बार अगर आप चिपका दो तो बार 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 वहीं से लीकेज ना हो। आप देख सकते हैं ये ग्रीन है, ये बहुत सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट है, और आपको इसको बहुत थोरली मिलाना पड़ता है, मतलब एकदम अच्छे तरीके से इसे मिलाना है। आप कुछ अच्छी चीज़ें देखेंगे, देख सकते हैं आप इतना सॉफ्ट है, आप मिलाते जाएंगे और इसको आप अच्छी तरह मिलाइए। अगर अच्छी तरह नहीं मिलेगा तो जो आपका इंटेंट है, जो आपका मोटिव है, वो फुलफिल नहीं होगा। तो इसको कैसे मिलाना आप देखिए, आप बिल्कुल मसलते जाइए एक दूसरे के अंदर, इसको मसलते जाइए और जैसे जैसे आप इसको मसलते जाएंगे ये एक दूसरे मिलता जाएगा। आपके हाथ में अगर लग रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका एक बहुत अच्छा नेचर है, जैसे ही आप इसमें थोड़ा पानी डालेंगे तो वो हाथ में जो भी चिपका हुआ है वो अलग होने लगेगा। आप देख सकते हैं मैं इसको बड़े प्यार से एक दूसरे के अंदर रब कर रहा हूँ और उस रब करने के कारण ये मिलते चले जा रहे हैं। आपके हाथ में अगर लग रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है और आप इसको रब करते जाइए, मिलाते जाइए एक दूसरे के अंदर ऐसे, ये देखिए इस तरह से। ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको अच्छी तरह मिला लें क्योंकि अगर ये नहीं मिलेगा तो कुछ पार्ट पे ये गीला रह जाएगा और कुछ पार्ट पे ही आपकी पैकिंग अच्छी हो पाएगी, तो हो सकता है आपका लीकेज का जो प्रॉब्लम है वो अच्छी तरह सॉर्ट आउट ना हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको एकदम तसल्ली से देख लीजिए। अब बात आती है कि आखिर ये कैसे काम करेगा। देखिए अभी मैं देखिए उसको पूरा रोल करके प्रिपेयर कर ले रहा हूँ, फिर बाद में हम इसको पतली पतली मतलब आप ऐसे मानिए कि लाइनों की तरह बना लेंगे। मैं मेरे क्लास में एक जगह लीकेज था, उस लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए मैंने इसे यूज़ कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं ये धीरे 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 मैं इसको पूरा मिला दिया हूँ। ये जो टेबल पे भी लगा हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये टेबल पे जो लग जाएगा सिर्फ इस पर पानी डाल के अच्छी तरह पोंछ देंगे निकल जाएगा, ये चिपकने वाला नहीं है। आप देख सकते हैं ये जो दिख रहा है आपको, ये इजिली निकल जाने वाला है, ठीक है। तो अब इसको है ना कैसे यूज़ करना है इसको देख लीजिए, ऐसे हाथ में लीजिए तो हो सके थोड़ा पानी ऐड कर लीजिए और ऐसे पतली 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 लाइन बना के इसको ऐसे चिपकाते जाइए। अगर वहाँ पर पानी, जैसे यहाँ पर थोड़ा पानी गिरा हुआ था इसलिए शुरू में चिपकने में दिक्कत होगी, लेकिन एक बार चिपक जाने के बाद ये पूरी तरह अच्छी तरह चिपक जाएगा। आप देखिए बस जहाँ पर भी लीकेज है उस पार्ट पर आप इसको मिला दीजिए, पानी रहेगा तो इसको चिपकने में आसानी होगी, पानी से चिपकता भी आसानी से है और पानी से ये आपके हाथ से इजीली रिमूव भी हो जाएगा। ये देखिए ये बहुत ही फाइन लीकेज था और उस फाइन लीकेज की हर एक जगह को मैं ऐसे फिल कर रहा हूँ, ये पूरी जगह आपको ये इस तरह से ऐसे लगाते चले जाना है, कुछ नहीं करना। जो आपने ले ही बनाया था, जो आपने उस डॉ बनाया था उसमें बस थोड़ा सा पानी लीजिए और बस। अब देखिए इसको मैं फिर से रोल कर रहा हूँ और ये मेरे हाथ में जो लगा है वो भी टेंशन की बात नहीं, वो ईजिली रिमूव हो जाएगा। तो बस इसको ऐसे लगाते जाइए और ये देखिए सिंपल हाथ से, कोई आपको कारपेंटर की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे भी लीकेज है आप इस तरह से लगाते जाइए। ये देखिए थोड़ा मैं क्विक कर देता हूँ इस प्रोसेस को, तो अभी देखिए मैं थोड़ा सा पानी लगाऊंगा ताकि ईजिली रोल हो। ये देखिए मैं हाथ में पानी लिया और ये ईजिली रोल कर लिया, ये देखिए, और रोल करके बस उस जगह पर ऐसे बिछाते जाइए और फिक्स करते जाइए। अच्छी बात यह है अगर आप पानी यूज़ करेंगे तो ये आपके हाथ में ज़्यादा चिपकेगा भी नहीं और जिस सरफेस पर आप चिपकाना चाहते हैं उस सरफेस पे ये आसानी से चिपक जाएगा। और ये देखिए और आपका जो इंटेंट, देखिए बारिश बहुत हो रही है, जैसे मुंबई के अंदर बारिश बहुत है और एमसील की बहुत ज़रूरत है, तो वो आप एमसील देखिए, कोई बोलेगा कि ये कौन सा आप रिव्यू कर रहे हो, ये क्या है, ये मैं कोई रिव्यू वगैरह नहीं कर रहा हूँ, मैं ये सिर्फ दिखाना चाहता हूँ कि यूज़ कैसे करते हैं। कईयों को पता होगा, ठीक है, जिनको नहीं पता है उनके लिए ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ज़रूरत यह है कि अगर आप जैसे आपके घर पे लीकेज है तो आप हर जगह कारपेंटर को ढूंढते नहीं बैठ सकते, कि ज़रूरी नहीं है कि कारपेंटर इजीली आपको मिल भी जाए। जैसे मुंबई के अंदर कारपेंटर नहीं है और इतनी बारिश है तो कारपेंटर आ भी नहीं रहे अगर आप बुलाएंगे तो भी। तो ये लीकेज था, मेरी पूरी क्लास में पानी भरा हुआ था, पूरी क्लास में, तो पानी कहाँ से आ रहा था, इस जगह से आ रहा था, तो मैंने उस जगह को फिल कर दिया। और ये जो
ये आप देख सकते हैं, मैं अभी यहाँ पे ही फिक्स करूँ जहाँ मेरा गमला है। यहाँ पर एक छोटा सा छेद है जो इस डक्ट का पानी मेरी क्लास में गिरा रहा था, तो इसको भी मैं कर दूंगा ब्लॉक, एमसील यहाँ पे भी लगा दूंगा। और जब ये जगह ब्लॉक हो जाएगी तो चांसेस ही ख़त्म हो जाएंगे किसी भी तरह के लीकेज के लिए। ये देखिए इस जगह पर भी मैंने लगा दिया एमसील, ईजिली ये फिक्स हो जाएगा, उस जगह पर फिक्स कर दीजिए। अच्छी बात क्या है कि एक बार लग जाने के बाद इसमें टेंशन नहीं है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार लग जाए तो आप, एक बार लग जाएगा वो हार्डनर जो था वो पूरी तरह से चिपक जाएगा, वाटर का इस पर असर नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि ज़्यादा तेज़ बारिश आएगी तो बह जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और मैंने दोनों एंड पे, मतलब उसी दरवाजे के दोनों एंड पे इसको लगा दिया। और अच्छी बात यह है कि ये एकदम फिक्स हो जाएगा, और जो भी पार्ट आपके हाथ में लगा हुआ है या जो भी आपके हाथ में रह जाएगा आप उसको इजीली वॉश आउट कर सकते हैं। मैं दिखाऊंगा कितना आसान है इसको वॉश आउट करना। तो पहले तो मैं इस पूरे को फिक्स कर देता हूँ। ये मैं फिक्स इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए और आप देख भी पाएँ कि ये कोई टफ़ चीज़ नहीं है। प्लीज़ आप इसको एक इन्फॉर्मेशन के पर्पज़ से लें इस वीडियो को, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, जिनको नहीं आता, क्योंकि देखिए जैसे मुझे भी नहीं आता था तो मैंने इंस्ट्रक्शंस पढ़ के इसको किया। हर इंसान इतना टैलेंटेड नहीं होता कि उसको हर चीज़ एकदम ही पता हो, तो ये एक इन्फॉर्मेशन के पर्पज़ से बनाया हुआ वीडियो है। और ये देखिए मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ, ये एकदम क्लीन हो जाएगा, हाथ में जितना भी लगा हुआ तो पूरा क्लीन हो गया। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।